चल क्या बना रही है? ये हो रही मेरी नाश्ते की तैयारी। ये मेरे मायके से आए ककोड़े, ये बना रही हूँ अभी के लिए। तो ये तैयार और था मेरा, और ये काट के रख देती हूँ, ये खराब ना हो क्योंकि ये पीले पड़ गए, इसे 2-3 दिन हो गए आए हुए। ये क्या ककोड़े की सब्जी? इसे फ्रिज में रख दूंगी ना, और दूसरे दिन बनाऊंगी इसे, दूसरे दिन बनाऊंगी इसे, अभी बनाऊंगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो? आए हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के संग खुश होंगे। फिलहाल देखते होंगे अभी मेरी वीडियो, और मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अभी मैं पहले बनाती हूँ ताड़ का जूस। ताड़ का फल दिया है मेरी मम्मी लोगों ने हमारे उधर कहीं पे, मतलब पानी नदी के किनारे ताड़ का पेड़ है, तो वहाँ से काफ़ी लोग उसे मतलब इस्तेमाल करते रहते हैं, बना मतलब हर साल ही बनाते हैं उसकी जूस। तो आज मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, चलिए बताती हूँ कैसे होता है वो। कई लोगों को तो पता होगा, कईयों को पता भी नहीं होगा, तो मैं पहले आपको वो फल दिखाती हूँ ताड़ का। ये इतने सारे दे रखे मेरी मम्मी ने, और ये मैं बनाऊंगी सबसे छोटे वाले का। इसका ऐसा होता ताड़, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और सुबह तो मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। तो अभी जा रही हूँ, पहले मैं डेयरी में मतलब दूध के पैसे देने के लिए क्योंकि ये महीना लास्ट का हो गया है, तो मैं डेयरी में पैसे दे के भी जाती हूँ और घूम के भी आ जाती हूँ, क्योंकि डेयरी जो डेयरी वाले हैं वो घर ही दे के चल जाते हैं दूध, तो पैसे देने के लिए जाना पड़ेगा। सुबह जल्दी आ जाते तो पता नहीं चलता किस टाइम आते हो, कभी उठ जाते कभी तबीयत ख़राब रहती तो देर से उठते हैं। तो इस टाइम फ़िलहाल मैं जाती हूँ डेयरी की ओर, हमारी कॉलोनी की रोड घूमने के लिए, और ये हमारे पड़ोसी जा रहे हैं हमारे उधर घूमने के लिए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? हेलो नमस्ते, खुश रहे। ये संगीता लोगों की गिले की खेती बड़ी भयंकर हो रखी है। ये देखो हमारे देहरादून में और कुछ है नहीं है, गिलई ज़्यादा हो गई है, गिलई खूब हो रखी है देखो। ये है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, और मैं जाऊंगी डेयरी की ओर। हेलो नमस्ते नमस्ते, तुम क्या कर रहे हो? चलो बाय। मैं जाऊंगी मिलन वेडिंग पॉइंट की ओर। दूसरा ज्वालपा कुंज मंदिर है हमारे यहाँ का, यहाँ हो रहा है कीर्तन। आज दिन में मैं आ गई हूँ डिस्पेंसरी रोड में, आज दिन में 3:30 बजे करीब एकदम खूब तेज़ आंधी आई और बारिश आई। अब मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को मेरे ये पीछे, और मस्टैक की भी हो रही है तभी भी, और मेरी भी आ गई है डेयरी सामने। ये है डेयरी, डेयरी बहुत बदल गई है, ये सारा बदल दिया, पहले दूसरे तरीके से था अब दूसरे तरीके से है। मैं आ रखी हूँ यहाँ दूध का कर्ज देने, यहाँ दूध लेने भी आ रखे हैं लोग, ये आ रखे दूध लेने लोग। ये है मालिक, काफ़ी सारे मालिक हैं यहाँ पे डेयरी के। मरवाना तो मन भी था सिंगल गाय ये डाइट डेयरी। अच्छा यहाँ निकाल रहे हैं दूध, ये निकल रहा है यहाँ दूध। राइट ही कर दी तुमने। ये है बछड़ी, दो ही बछड़ी है यहाँ, दो ही बछड़ी बेचारा कच्चा कर रखा है देखो। ये टाइम पे हो गई ये बारिश, हाँ
गया अंधेरा, हम लोग निकलते घर के लिए। यहाँ थोड़ी देर हो गई, बारिश होने लगी थी यहाँ, तो अब हम भी निकल रहे हैं घर के लिए। आ जाओ फूफू, हम लोग जाएंगे पैदल, अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ। आज है मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन, कल तो काफ़ी बारिश आती रही थोड़ी थोड़ी देर में, और एक सेकंड का कल तूफान आया, तो तूफान ऐसा आया कि मेरा बोर्ड उड़ के यहाँ सामने खेत, ये देखो ये सामने बोर्ड उड़ के चल गया, इस घास में जाया कैसे जाए यही सोच रहे हैं। अब बोर्ड तो बाद में निकलेगा, फिलहाल मेरा एक काम है, मैं कहीं जाती हूँ, ये काम से कुछ काम है मेरा, तो देखती हूँ काम मेरा होता नहीं होता, पड़ोस में जाती हूँ पता करती हूँ। बरसात में इधर हो गया सरकदान, सफाई पहले भी करते थे ऐसे, मतलब सफाई उस टाइम तो खैर घर कॉलोनी के ही सारे लड़के लोग करते थे सफाई, और अब तो मजदूर लगाने पड़ते हैं, अब कोई नहीं करता सफाई। दो तीन कलर मैंने सारी अलग अलग ऐसे लगाई और पैन फैला। सबसे पहले कमे तुम दे दूल में, ये देखो चिड़ियों ने घोंसले कैसे बना रखे, पत्रे लग रखे हमारे नहीं है। हाँ ये सरोज दुमाका का पेड़ है। दिन के जैसे पौने तीन हो रहे हैं और मौसम करबट बदल दे रहा है, ये देखिए यहाँ इतनी बारिश हो रही है और मेरे मायके में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। ये देखिए कितनी खतरनाक, इतना भी नहीं पर ये झमाझम वाली बारिश है, रिमझिम वाली, ये रिमझिम बारिश हो रही है। यहाँ के लोग परेशान हो गए इस टाइम से रोज बारिश से। तो बादल गरजने से भी डर लग रही है, और ये जो जब से सौड़े में तीन मतलब बादल फटे तब से सबको डर लग रही है, फिर से बादल गरज रहे हैं, शायद कल भी बहुत भयंकर बादल गरजे और अभी भी बादल कैसे गरज रहे हैं देखो तब क्या होता है, पर भगवान करे कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश ही हो बस और कुछ ना हो, बादल गरजते तो अब डर लगती है। देखो ये हो रही है बारिश, वो कितनी अच्छी गुलमेंदी हो रखी, मेरी अपना आप हो रखी है गुलमेंदी, ये हर साल अपना आप होती है और अपना आप ही ख़त्म भी हो जाती है जल्दी। आज इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, फिर अगली वीडियो में आपको पसंद आता होगी। ये तो बारिश बहुत तेज हो गई है, अब मुझे बरामदा तक भाग के जाना पड़ेगा, मेरा फोन ना भीगे। बाप रे ये देखो तेज बारिश होने लगी है बहुत ही ज़्यादा। इस तोरी की मैं शाम को नई रेसिपी बनाऊंगी, एक ही तोरी से, देखना आप, क्या पता किसी ने खाया भी होगा तो कमेंट करना। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इसकी।